أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. سورة نساء میں عورتوں کے سلسلے کے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انصاف کرنا، مہر اچھی طرح سے ادا کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ ہونے سے بچانا، ان کی نگاہ داشت کرنا، اور جب وہ سوج بوجھ اختیار کر لیں تو ان کا مال گواہوں کی حاضری میں ان کو واپس کرنا، پھر قانون وراثت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ طے ہے اور اللہ کی طرف سے معین ہے، اور اس میں اپنی عقل کو اور فہم کو بروئے کار لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حصص اللہ تعالی نے طے فرمائے ہیں اس کے مطابق دیا جائے. آج کے سبق میں ایک اور اہم بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر وارث اقربا اور دیگر غربا اور مساکین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ویسے بھی مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے دوسری آیات میں بھی کہا گیا ہے، یہاں ایک خاص پیرایا ہے جس کے ماتحت اس کا ذکر آیا ہے. اور غربا کے ساتھ ہمدردی کرنا، جیسے فرمایا اما الیتیم فلا تقہر و اما السائل فلا تنہر. یہاں جو وارث نہیں ہے لیکن اقارب میں سے ہیں، اعزہ میں سے ہیں، غریب ہیں، جب وہ کسی مرنار کی وراثت کے تقسیم کی بات سنیں گے تو امیدیں لے کر جب مال تقسیم ہو رہا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے، اس امید پر کہ بھئی دور کے کوئی رشتہ دار ہم بھی ہوتے ہیں. لیکن شرعاً ان کا میراث کے اندر حصہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر اگر قرابت دار آ جائیں، عزیز قریب،
जो शरअन तो इस विरासत के हकदार नहीं है लेकिन उम्मीद लेकर आए हैं कि भाई बेड़ा विरसा तकसीम हो रहा, चलो हम भी पहुंच जाएं, शायद हमारा भी कोई हिस्सा निकल आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फर्ज़ुकूहुम मिन्हु, कि उसमें से यानी विरासत का जो माल है उसमें से हाजिर शुदा गैर वारिसों को और गरीबों को और कराबतदारों को भी कुछ खिला पिला दो, यानी कुछ हिस्सा उनको भी दो। याद रहना चाहिए कि ये हुक्म मुश्तरक माल में से खिलाने पिलाने का नहीं है, बल्कि ये खिताब उन बालिग और हाजिर वारिसों से है जो विरासत का माल हासिल करें और उन्होंने अपना हिस्सा वसूल कर लिया, इसके बाद उनके लिए यह हुक्म है कि वह अपने हिस्से में से गैर वारिस अकरबा या गरीब गोरबा को भी कुछ दे दें। यह हुक्म नाबालिग वारिसों के लिए नहीं है क्योंकि सिन बुलूगत तक उन्हें अपने माल में तसर्रुफ का हक हासिल नहीं। गैर हाजिर वारिसान के हिस्से से कोई दूसरे हिस्सेदार को कोई चीज अदा नहीं कर सकते क्योंकि असल हिस्सेदार ही का हक है, लिहाजा यह हुक्म हाजिर और बालिग वारिसान के लिए है। बाज मुफस्सिरीन की राय यह है कि यह हुक्म इब्तिदा में उस वक्त तक के लिए था जब तक विरासत के मुफस्सल अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। जब ये अहकाम नाजिल हो गए, विरासत के हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिए तो फिर ये हुक्म मंसूख हो गया। इमाम बैगावी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत को सामने रखकर, जो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, कि यह हुक्म बतौर इस्तेहबाब अब भी मौजूद है, मनसूख नहीं हुआ है। अगरचे ये देना फर्ज और वाजिब तो नहीं है, लिहाजा अगर तकसीम विरासत के वक्त ऐसे लोग आ जाएं तो उन्हें दे देना मुस्तहब होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन आयात को अच्छी तरह समझना है, कुरान करीम को समझना असल है, क्योंकि समझेंगे तो उस पर अमल करना भी आसान होगा और हमारा अमल कुरान करीम के हदीस के मुताबिक हो। विरासत के मामले में लोग काफी गड़बड़ करते हैं, हक वालों को हक नहीं देते, तो ये तो जिनका हक नहीं है उनको कुछ देने की बात है, क्या देंगे। लेकिन कुरान करीम की बात सुनो क्या कहता है, हकदारों को तो पूरा हक मिलना ही मिलना है,
लेकिन जिनका हक नहीं निकलता और उम्मीद लेकर आए हैं उनको भी कुछ देने के लिए कहा जा रहा है। लोगों ने इस पर अमल छोड़ दिया है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं देना मुस्तहब है। अब आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकूलु लहुम कौलम मारूफा, ये जो लोग आएंगे उनकी दिलशकनी ना हो जाए, यानी डांट डपट कर उनको निकाल ना दिया जाए, सख्त कलामी उनके साथ ना की जाए। ये तो बेचारे उम्मीद लेकर आए हैं, एक तो ये कि इनका हक नहीं निकला तो वो बात उनसे कही जाए कि शरीयत के कानून के मुताबिक तुमको अंदर से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन जब तुम आए हो तो हमारे हिस्सों में जो आया है उसमें से हम लोग खुशदिली से तुम्हें जो दे दें ले लो, क्योंकि तुम तो खाली हाथ आए थे और कुछ लेकर जा रहे हो, तो उनको निकाल न देना और बुरा सुलूक और बदकलामी उनसे न करना, सख्त कलामी न करना। कौलम मारूफा, मारूफ अच्छी बात को कहते हैं, दुरुस्त बात को कहते हैं, नर्म कलामी को कहते हैं, तो उनके साथ सख्त कलामी से पेश ना आया जाए। वैसे भी सख्त कलामी साइल के साथ, मिस्कीन के साथ अच्छी नहीं, वो तो दिल टूटा हुआ इंसान है, शकस्ता खातिरी और शकस्ता माली और शकस्ता हाली का शिकार है। फिर ऊपर से हम कड़वे कसीले जुमले कहकर उसका दिल मजीद तोड़ें, तो हम दिल जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम तोड़े तो नहीं। तो उनके साथ हुस्न कलाम किया जाए तो मान जाएंगे। फोकाहा ने मुश्तरक माल के बहुत से मसाइल बयान फरमाए। जिस माल के कई हिस्सेदार हों वो माल तमाम हिस्सेदारों की रजामंदी के बगैर खर्च नहीं किया जा सकता। किसी हिस्सेदार की गैर हाजिरी में किसी दूसरे को हक नहीं पहुंचता कि वो माल की अदना से अदना मिकदार में भी तसर्रुफ करे। इसलिए उलमा ने फरमाया कि मुश्तरक माल जो अभी तकसीम नहीं हुआ है उसमें से सदका खैरात भी नहीं कर सकते। इसी तरह छोटे बच्चे जिन्हें अभी माल पर अपने तसर्रुफ हासिल नहीं हुआ है उनके माल को किसी के हवाले कर देना, चाहे वो सदका खैरात ही की कबील से हो, जायज नहीं। जैसे यतीम का माल खुद खाना हराम है, किसी दूसरे को खिलाना भी हराम है, तो फिर सदका और खैरात उसमें कैसे कर सकते हैं? उनकी गैर मौजूदगी और हिस्से की तकसीम से पहले और उनकी नाराजगी के साथ। और जो रस्में मरनार के माल में से उसकी मौत के बाद, जैसे 40वां है, तीजा है, ये तमाम चीजों के अंदर मैयत का माल खर्च करना, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा किसी शख्स को यह हक नहीं पहुंचता कि तमाम हकदारान की इजाजत के बगैर उसमें से खर्च करे, चाहे ईसाले सवाब ही के लिए क्यों ना हो।
अलबत्ता बालिग वारिसान अपने हिस्से का सारा माल भी सबका खैरात कर दें तो दुरुस्त होगा। मुफस्सिरीन ने बहुत तफसील के साथ लिखा कि मैयत का कफन दफन तो उसके तरके से हो सकता है, मगर मैयत की चारपाई के ऊपर डाली जाने वाली चादर तरके से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ये कफन का हिस्सा नहीं है। बाद औकात मैयत को गुसल देने के लिए नए बर्तन खरीदे जाते हैं, तरके का माल इस पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि तरके का माल तमाम वारिसान का मुश्तरक हक है। जब ये मुश्तरक माल ठहरा तो बगैर तमाम के तकसीम और इजाजत के इसका खर्च करना जायज नहीं। मरनार के तरके में से उसके कफन दफन गुस्ल के सिलसिले का खर्च किया जाए और इसी तरह मैयत का जो कर्जा है वो अदा किया जाए। उसके बाद जो माल बच जाए उससे उसकी वसीयत एक तिहाई माल में से पूरी की जाए और वसीयत इतनी ज्यादा की है कि सब माल दे देना पड़े तो ये इस तरह करना जायज नहीं होगा। अगर कर्जा ही इतना बड़ा निकला कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा ये अलग बात है, तो वो कर्जा चुका देना पड़ेगा। कफन दफन के बाद कर्जा चुकाने के बाद एक तिहाई हिस्से में से मैयत की वसीयत को पूरा करने के बाद जो बाल बचेगा वो रिश्तेदारों के दरमियान शरई कानून के मुताबिक तकसीम होगा। यतीम बच्चों की हुकूक की हिफाजत और उनकी साथ खैरखाही के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गौर करो, गौर, अगर तुम्हारे बच्चे खुदा ना खास्ता यतीम हो जाएं तो तुम उनकी खातिर जिस कदर फिक्रमंद होंगे इसी कदर दीगर यतीम बच्चों के साथ भी हुस्न सुलूक करो। अगर उनका माल वलियों के कब्जे में आ जाता है तो उसको बढ़ाएं, बचाएं, हिफाजत करें, जरूरत के मुताबिक लें, इसराफ न करें। और तरका के बारे में भी बड़ा डर रखें, अल्लाह के यहां सबको हिसाब देना है। वो बच्चे हैं नहीं समझ रहे, लेकिन आप बड़े हैं समझ रहे हैं, अल्लाह के यहां हिसाब देना है, इसका खौफ रखो। वलयख्शल लजीन लव तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफ वाले, और चाहिए कि वो लोग इस बात से डर जाएं कि अगर वो खुद अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ जाते तो इन्हें कितना खौफ महसूस होता, वो फिक्रमंद हो जाते। उनके बाद उनके बच्चों के साथ लोग कैसा सलूक करेंगे ये फिक्र में पड़ जाते जाते जाते। यही बात अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे छोटे बच्चों के साथ हुस्न सुलूक हो, उनका माल महफूज रहे, उनके साथ हमदर्दाना और खैरखानाना सुलूक किया जाए, तो तुम भी दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा ही करो। ये मुसलमानों को अखलाक सिखाए जा रहे हैं, जो कहते हैं ना अखलाक, ये अखलाक है जो कुरान करीम तालीम दे रहा है, ये अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद है, अन तुहिब्ब लिअखीका मा तुहिब्ब लिनफ्सिका, यानी तुम उस वक्त तक कामिलुल ईमान नहीं हो सकते जब तक तुम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद न करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, जिसकी मिसाल मैंने ऊपर समझाई आपको कि फर्ज करो कि हम दुनिया से जा रहे हैं और हमारे बच्चे यतीम हैं, तो हमको कितनी फिक्र होगी उनके माल महफूज करने की, उनके साथ कोई बदसुलूकी ना करे, कोई बड़ा रहा नहीं, अब वली के हाथ सुपुर्द करना है, तो कितनी फिक्र रहेगी। इस तरह हमको दूसरे यतीम और जरूरतमंदों के बारे में भी फिक्रमंद रहना चाहिए, दूसरों का गम और दूसरों का दर्द और उसकी कसक दिल में महसूस करना चाहिए। इसीलिए तो बच्चों को भी महरूम नहीं किया, गरीब रिश्तेदारों को भी महरूम करने की बात की, और सिर्फ मालदार वरसा तकसीम करें और गरीब हकदार होने के बावजूद महरूम रह जाए ये भी ना करें। लड़कियों को अक्सर महरूम किया जाता है, बेटियों को महरूम कर दिया जाता है, बड़े भाई कहते हैं हमने शादी कर दी, हमने ये खर्च किया वो खर्च किया, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और सामने से उनसे कहलवाते हैं कि मकान में से तो कुछ नहीं लेगी है ना तू, और दुकान में से भी तू तो नहीं मांगेगी, तो खुशहाल है, तुझे कोई जरूरत भी नहीं है, तो माफ कर देगी ना। ऐसा नहीं, उसका पूरा पूरा हक, चाहे वो कितनी भी मालदार हो या गरीब हो, उसके सामने रखना चाहिए और इंसाफ के साथ उसको पूरा पूरा एक एक पैसा दे देना चाहिए, फिर उसकी मर्जी वो जो करना चाहे करे। लेकिन शर्मा शर्मी जो है लड़कियों से, बेटियों से, बहनों से कबूल करवा लिया जाता है, और फिर मर्द लोग आपस में वो माल तकसीम कर लेते हैं, वो खवातीन बेबस होती हैं, बिचारी कुछ कर नहीं सकती, गर्ज अपने बच्चों की तरफ ध्यान करके दूसरे यतीम और बेकस बच्चों का ख्याल करो। इस्लाम की तालीमात की खूबसूरतियां देखिए, हुस्न एतदाल और इंसाफ देखिए, और यहां अल्लाह का डर अगर आदमी के अंदर है और मर्जी रब का ख्याल है, तो लोगों की आंख में धूल डाल सकता है, बातें बना सकता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में नहीं चलेगा। और तकवा यही तो है कि कल मरकर अल्लाह को जवाब देना है, हमें एक एक पाई का, चाहे लोग हिसाब ना मांगे, अल्लाह को तो हिसाब देना है, तो उसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो जिसके अंदर तकवा होगा वो हुकूक की अदायगी में पीछे नहीं रहेगा, पूरी तरह से हुकूक को बजा लाएगा, क्योंकि तकवा का अंसुर उसमें मौजूद है। और खुदा का खौफ नहीं है तो फिर जुल्म और सितम करेगा, माल हड़प कर लेगा, यतीमों को महरूम कर डालेगा, कौन पूछने वाला है। लेकिन अल्लाह का डर रखने वाला ये सोचेगा कि नहीं, पूछने वाले अल्लाह है, ये माल भी अल्लाह का दिया हुआ है, मुझे मुफ्त में मिला, मैंने तो कोई मेहनत इस पर की नहीं, मरनार मर गया और शरान मेरा हिस्सा निकल आया। तो शरान जिन जिन लोगों का हिस्सा निकलता है, चाहे वो चार आने हो और आठ आने हो, उसको पूरा के पूरा देना चाहिए,
कल्ला मिनहु औ कसर, चाहे कलील हो चाहे कसीर हो, हिसाब सबका होगा, पाई पाई का होगा। आगे अल्लाह ताला ने हराम माल इस्तेमाल करने वालों की वईद और सजा बयान की और फरमाया इन्नल लजीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मा, यतीम की कफालत करने के बड़े फजाइल आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम का हातें, शहादत की उंगली और उसके पड़ोस वाली उंगली जोड़कर हुजूर ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला कोई हक नहीं निकलता, फिर भी यतीम के सर पे हाथ रखा और उसकी खिदमत की और उसकी परवरिश की तो उसका भी बड़ा दर्जा है, और वली बना है, उसके माल का मुतवल्ली बना है, जिम्मेदार बना है, तब तो बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया ऐसे लोग जन्नत में मेरे साथ होंगे, हुजूर की रफाकत और मईयत नसीब हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह फरमाते हैं वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान का मामला करो और हुस्ने सुलूक करो, अल्लाह ताला मुहसिनीन और निकोकारों को और दर्जे एहसान तक पहुंचने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं जैसे वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जुल्मन अगर यतीम का माल दबोच लिया, खा लिया, कारोबार कर रहे हैं, वजन में बराबर नहीं दिया, तोल नाप के अंदर कमी की, तो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तो न दीन के कोई मामले में कमी करो, न कारोबार के अंदर तोल में नाप में कमी करो, न धोखा दही करो, न खयानत करो, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। यतीमों का माल अपने साथ मिलाकर इस तरह गड़बड़ न कर दो कि जिसकी वजह से उसका माल कितना था यही पता न चल सके, और कोई हिसाब किताब भी ना हो तो क्या देना है क्या लेना है बेचारे यतीम को बड़े होने के बाद ये भी पता ना चले, ये भी एक तरह का जुल्म है, तो इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं और बेदरे उड़ा रहे हैं, या उनको यतीमों के माल का जैसे यतीम खानों के अंदर होता है जिम्मेदार बनाया जाता है, गदरबूतियां बहुत सी हो जाती हैं, खयानतें हो जाती हैं, बेचारे यतीमों को पता नहीं चलता कौन कौन उन्हें माल दे रहा है, कौन उनके लिए क्या बेच रहा है, तो वो तो जो जिम्मेदार है वो पकड़ में आएंगे। और वईद कितनी खतरनाक बयान की कि ये लोग अपने पेट में आग के अंगारे डाल रहे हैं, आग भर रहे हैं अपने पेट के अंदर। कोई अंगारा अपने पेट में डालता है, गरम रोटी जरा सी मुंह में आ जाती है तो हा हा हू हू करते हैं हम, अंगारे कौन खाएगा? ये जहन्नम के अंगारे भरना है, यतीम के माल को जुल्मन खाना, और जुल्मन खाने की कई किस्म मैंने आपके सामने जिक्र की है, उनका हिसाब पूरा रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, अल्लाह के यहां जवाबदेही का पूरा डर रखा जाए, और उनके माल का हिसाब रखा जाए, और ये भी कि उनका माल जाए होने से बचाया जाए, ज्यादा खर्च कर डालना ताकि उसके हाथ में बड़े होने के बाद माल ही ना आए ये भी अच्छा नहीं है, बल्कि उनका माल महफूज रहे, बढ़ जाए, इजाफा हो और वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जाए। इतना माल अल्लाह ताला ने छुड़वाया है उनके माँ बाप के जरिए से, तो ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कि कभी कम माल हो तो कम की भी निगरानी करनी चाहिए, ज्यादा हो तो ज्यादा की निगरानी भी करनी चाहिए, उसके मसाइल गुज़श्ता बयान हुए हैं। इसलिए बच्चे यतीम होकर दर बदर की ठोकरें ना खाएं और उनका कोई पुरसाने हाल न रहे,
इससे बचाने के लिए यतीम के औलिया को खास तवज्जो दिलाई गई और मुस्लिम माशरे को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई गई और खास इसकी तरफ रगबत दिलाई और डर भी बतलाया। अपने आप को जहन्नम से बचाना यह हुकूक की अदायगी की शक्ल में यहां पर बतलाया जा रहा है। और भी बहुत से तरीके हैं जिसके जरिए से आदमी जहन्नम से बचेगा, गुनाहों से बचेगा तो जहन्नम से बचेगा, हक तलफियों से बचेगा तो जहन्नम से बचेगा, सुन्नतों के मुताबिक चलेगा तो जहन्नम से बचेगा, अल्लाह को राजी करेगा, रसूल को राजी करेगा, सुन्नतों के मुताबिक चलेगा, अल्लाह के अहकाम को पूरा करेगा तो अल्लाह ने वादा किया है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अल्लाह के अहकाम को पूरा करो तो अल्लाह क्यों तुम्हें अजाब देंगे। अल्लाह ताला बेवजह किसी को न सताते हैं न ना करदनी का हिसाब उससे लेते हैं, जो करदनी और किए हुए आमाल अच्छे हैं या बुरे हैं उसका हिसाब होगा अल्लाह ताला के यहाँ। और उसके लिए फरमाया फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आयत करीमा बड़ी अहम है और बहुत बेहतरीन आयत है हुकूक की अदायगी के सिलसिले में, और अल्लाह ताला के यहाँ एक एक चीज का हिसाब होना है उसके सिलसिले में बड़ी डराने वाली अल जामियातुल फाज़ा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये आयत। तो यहाँ यतीमों का माल नाजायज तरीके पर खाने वालों को वईद सुनाई और फरमाया कि यतीमों का माल खाने से हड़प करने से बचो, क्योंकि बज़ाहिर तुमको ये अच्छा लग रहा है लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है और तुम जहन्नम की आग अपने पेट में डाल रहे हो। तो ये वईद बतलाकर हमें डराया गया है हुकूक की अदायगी और तरके की शरई तकसीम की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई है और इसका ख्याल रखा गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या रहमल मसाकीन व या खैरल मसकूलीन व या अरहमर राहिमीन इरहमना वाफ़ अन्ना फइन्नका मुजीबुद दाईन रब इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين। अल्लाह मजिदना वला तनकुसना व करीमना वला तुहिन्ना व आसिरना वला तुसिर अलैना अल्लाह आतिना वला तहरिमना अल्लाह महफजना मिन कुल्ली बलाए दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा अल्लाह वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिन अल क़ौली वल अमल वन नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला तिलावतिल क़ुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ना इबादतिक। اللهم اعطنا فهم القران اللهم اعطنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد। اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا قران کریم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، अपने फजल से हमें इसके हकायक समझा दे और इसकी मानी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, एक एक हर्फ से इश्क अता फरमा दे, प्यार अता फरमा दे, रात दिन इसकी तिलावत का जज्बा अता फरमा दे और इसकी फहम नसीब फरमा दे और इस पर अमल दरामत करना हमारी जिंदगी का नसबुल ऐन बना दे।
ए इलाह العالمین, जो बीमारियां हैं, वबाएं हैं, उसको दूर फरमा दे और हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा दे। जो दुनिया से तशरीफ ले गए, जन्नत में उन्हें अल्लाह जगह अता फरमा। पीछे जो लोग रह गए हैं रिश्तेदारान, उन तमाम की अल्लाह ताला सब्र और उस पर अजर अता फरमा। ए अल्लाह, नमाजों का पाबंद बना, सुन्नतों का इश्क अता फरमा, 100% तेरा नाम लेने वाला और पक्का मुसलमान बना। हमारे जान माल इज्जत आबरू और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, पूरे दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। कुरान करीम पढ़ने तिलावत करने का जज्बा हमें अता फरमा, नेकियों की तरफ चलना और उसका ज़ौक अता फरमा, सुन्नतों का इश्क अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तफसीर और दुआ खत्म हो गई। चंद मिनटों के लिए मुराकबा करेंगे, जो हजरात शामिल होना चाहें तो अब मुराकबे में भी शामिल हो सकते हैं, और जो न चाहें उन पर कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन फायदे की चीज है अगर करना चाहें तो, इससे रूहानी कुव्वत बढ़ती है, दिल साफ होते हैं, नेकियों का शौक पैदा होता है, अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, आंखें बंद हो, सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाया जाए और एक तसव्वुर रखा जाए कि अल्लाह की रहमत बरस रही है और हमारे दिलों पर उतरती जा रही है और हमारे दिल अल्लाह 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 कर रहे हैं। इस तसव्वुर को गालिब किया जाए, दूसरे तमाम तसव्वुरात से दिल दिमाग को खाली कर लिया जाए। अब मुराकबा फरमाए। खुफ्ता दिल बेदार शो बेदार शो बेदार शो, दर जिक्र हक मशगूल शो मशगूल शो मशगूल शो, अल्लाह की याद असल है। हम दुनिया की फिक्रों में इतने पड़ गए कि उसको असल बना दिया, अल्लाह की याद को जिमनी कर दिया, दुनिया के काम से फुर्सत हो तो हम अल्लाह की याद लेके बैठे, वो भी चंद मिनटों के लिए। वो भी लोग कहते हैं दिल नहीं लगता, बोझ पड़ता है, नोटें गिनने में बोझ नहीं पड़ता, कमाने में बोझ नहीं पड़ता, लाखों रुपए गिनने में बोझ नहीं पड़ता, अल्लाह का नाम बोलने में क्या बोझ पड़ना है। मोहब्बत अगर अल्लाह से हो तो मुंह मीठा हो जाए, अल्लाह का नाम जबान पर आए, दिल भर जाए, चेहरों पे अनवार आ जाए। अजीजो दोस्तो यारो, ये दुनिया दार फानी है, इसका तो हम मुशाहदा कर रहे हैं अब। दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है, तू रोजे रख नमाजे पढ़ खुदा को याद कर हर दम, कि ये नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। या आखिरत का तसव्वुर, वहां काम आएगी, दुनिया में भी एक महीने तक काम करता है, उसके आखिर में सैलरी हाथ में आती है। ये दुनिया काम की जगह है, यहाँ काम करेंगे, आखिरत में सैलरी अल्लाह ताला जन्नत की शक्ल में अपनी रजा की शक्ल में इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तू आया बहरे ताअत फसा लज्जात दुनिया में,
अकल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी है। मकसद को भूल जाए आदमी तो ये नादानी है। अगर हमको किसी काम के लिए भेजा गया, हम गए, दूसरे सब काम किए और जिस काम के लिए गए थे वही नहीं किया, ये कितनी बड़ी नादानी कहलाएगी। अगर सेठ ने काम के लिए भेजा है कि फलान काम करके आ जाओ, वो गया और वहां जाकर दूसरे तीसरे सेठ के काम किए और असल काम नहीं किया, तो सेठ गुस्से हो जाएगा कि जिस मकसद के लिए भेजा था वो तो तूने किया नहीं। हमारे को मकसद भेजने का दुनिया में इबादत है, ताअत है अल्लाह। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। रंग रलियों पे जमाने की न जाना है दिल, ये खिजां है जो बंदाजे बहार आई है। ये चमन बेरा भी होगा ये खबर बुलबुल के दो, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बान करे। जब मुराकबा करे तो ये सोचना चाहिए कि आज कहा गया तो मैंने जिस्म को पुरसुकून कर लिया, हरकत से बात रख लिया, आंखें बंद करने को कहा कर दिया, एक दिन बेख्तियार हो जाऊंगा, न हाथ हिलाने का, न पैर हिलाने का, न जिस्म हिलाने का, न सर को जाने का इख्तियार रहेगा। लोग जैसा चाहेंगे उठाएंगे पुटाएंगे उल्टाएंगे पुलटाएंगे, आंखें भी बंद करेंगे। अभी से अपने आप को मुर्दा कर लो, यानी अल्लाह के सामने और अल्लाह के अहकाम के सामने डाल दो, इसी का नाम इस्लाम है। यही दीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शय। दुआ फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها والله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فانك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسموں کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق اپنے فضل سے ہمیں نکال دے، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے معاملے فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، ہمارے دل یخ ہو گئے ہیں، اللہ اس کو جاری فرما دے، تیرا نام جاری فرما دے، اللہ اللہ جاری فرما دے، دلوں کے بگاڑ کو دور فرما، ظاہر اور باطن دونوں پر شریعت کے عمل نصیب فرما، ظاہر بھی شریعت کے تابع بنا دے، باطن بھی شریعت کے تابع بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، قرآن کریم کا عاشق بنا دے، نمازوں کا متوالا بنا دے، نوجوانوں کی زندگیوں کو تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ان کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ 100% دین پر چلنے کا ہمیں ذوق شوق عطا فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ معافی کا، درگزر کا، عفو کا معاملہ فرما۔
अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, अल्लाह जो घर के झगड़े वगैरह जिनके यहाँ चल रहे हैं अल्लाह उसको खत्म फरमा, अंदरूनी बेरूनी फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमा, आसमानी जमीनी अर्दी समावी आफात बलियात से अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह ईमान पर दुनिया से जाने वालों की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।